कोतवाली थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर चार अभियुक्तों को कोतवाली क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान श्याम नारायण मौर्य पुत्र स्वर्गीय हुबलाल मौर्य निवासी करमहा पोस्ट झुगिया बाजार थाना शाहपुर, वर्तमान थाना गुलेरिया जिला गोरखपुर, दूसरा शोभिता नंदन यादव पुत्र राजा राम यादव निवासी खुरिया थाना लालगंज जनपद बस्ती, तीसरा डॉक्टर मनीषा यादव पत्नी डॉक्टर अभिषेक यादव निवासी 257B राज नर्सिंग होम दुर्गावाड़ी रोड थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर, चौथा डॉक्टर पूनम यादव पत्नी श्री अरुणेंद्र यादव निवासी 192 बशारतपुर शिवपुरम थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्तों द्वारा अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के साथ गिरोह बनाकर अपने व गिरोह के सदस्यों के लिए सामाजिक आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर विभिन्न मेडिकल कोर्स में छात्र छात्राओं को झांसे में लेकर शासन द्वारा स्वीकृत मेडिकल कोर्सेज की सीटों के अतिरिक्त फर्जी तरीके से राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज दुर्गावाड़ी गोरखपुर में प्रवेश देकर छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए प्रवेश देना व परीक्षा में फर्जी तरीके से शामिल कराकर परिणाम ना देने जैसे जघन्य आर्थिक अपराध कारित करके धन अर्जित करने में संलिप्त थे, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी अजय कुमार मौर्य, निरीक्षक विज्ञानकर सिंह, उप निरीक्षक विनोद कुमार सिंह, अरविंद कुमार राय, आशीष कुमार यादव, रविन्द्र कुमार दुबे, कांस्टेबल रामदेव, राकेश कुशवाहा, महिला कांस्टेबल भावना सोनकर, मधु शामिल रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश के अनुक्रम में आज थाना कोतवाली द्वारा एक मेडिकल माफिया के खिलाफ भी एक गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें उनके अलावा साथ में पांच अन्य गैंग के सदस्य हैं। उनमें से चार सदस्यों को आज थाना कोतवाली द्वारा गिरफ्तार किया गया है, श्याम नारायण मौर्य, सविता नंदन यादव, डॉक्टर मनीषा यादव और डॉक्टर पूनम यादव। ये लोग जितना निश्चित इनको परमिशन था उससे ज़्यादा मात्रा में सीटों का प्रचार प्रसार करना एवं उसके बाद में सभी लोगों से तीन तीन साल की फीस लेना और उसके बाद में उन लोगों से परीक्षा ना दिलवाना एवं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना एवं उसके बाद में शासन के उच्चाधिकारियों के लेटर्स का कूटरचित दस्तावेज बना के जिला स्तर पर अधिकारियों के पास वो कूटरचित दस्तावेज भेजना एवं इस तरह की फर्जी परमिशंस का कार्य करने वाले इस गिरोह के खिलाफ आज गैंगस्टर में कार्रवाई की गई है और जल्द ही इसके 14(1) में इनके गैंगस्टर की संपत्ति का जब्तीकरण कर अग्रेसित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये राज नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज दुर्गावाड़ी के नाम से ये संस्था रजिस्टर्ड थी एवं इसके अलावा भी अन्य कई प्रकार के कूटरचित दस्तावेज इन्होंने बनाए हैं, उनकी भी जाँच की जा रही है।